गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग वही मेंसुरेशन जिसमें आप फार्मूला पढ़ चुके थे, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मैथ बनाने के लिए बैठी है तो पहले उस चैप्टर संबंधित या उस क्वेश्चन संबंधित जितने फार्मूला है वो पहले माइंड में सेट कर लीजिए। और जब तक आप फार्मूला माइंड में सेट नहीं करते हैं, यदि आप बनाने के लिए बैठते हैं तो देख करके बनाइएगा तो सफल नहीं हुई। और दो चीज़ और, मल्टीपल डिवाइड और सबट्रैक्शन, इसमें आलस नहीं होना चाहिए, यानी फटाफट ये सब करना चाहिए, क्योंकि मुख्य मिस्टेक यही सब में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन तो समझना बहुत ईजी है, मेंसुरेशन इतना ईजी है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप समझ जाइए। कुछ नहीं है मैथ में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान। तो आइए और रेडी हो जाइए। देखिए, 10 नंबर कहता है कि एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में ऊपर से जो दिया हुआ है, तो ये देख रहे हैं कि अम्ब्रेला में ये जो है ऊपर से दे दिया जाता है जिससे पानी जो है रुकता है ना। तो उसमें कितने अम्ब्रेला में कितने रिब दिया गया, देख लेना है, 1 रिब 2 रिब, माने 8 रिब दिया गया। तो रिब दिया गया तो 2 रिबों के बीच का एरिया निकालें, क्या कितना इजी है प्यारे बच्चों। 2 रिबों के बीच कमाने, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसके बीच का एरिया निकालने के लिए तो पहले तो देखिए कि सेंट्रल एंगल कितना डिग्री का बनता है। तो सेंट्रल एंगल पूरे तो सेंटर पर 360 बनता है, तो 8 से डिवाइड करिए, क्योंकि 8 पार्ट में डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड कर दिया, इट मींस 45 डिग्री का सेंट्रल एंगल हो गया। तो अब एरिया निकाल लीजिए, मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, सेक्टर ना। तो क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल, तो क्या थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना, 45 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अगर कट गया 45 से तो 8 टाइम्स का डिवाइड कर दिए और इसको मल्टीपल मैंने कर दिया, तो मल्टीपल करने पर 44,550 बाई 8 7 56, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, ए और 2 से ए, अर्थात आपका आ गया 22,275 बाई 28। इसको पॉइंट में बदल देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, बहुत इजी है। अब 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, कार में 2 लगल है वेपर, इस तरह से होता ना है, कार वेपर देखे ना है, वेपर जो कार में पानी पड़ता है तो उसे साफ करने के लिए शीशा आगे जो लगा रहता है ना, ऐसे ऐसे करित रहता है, तो 2 वेपर लगा हुआ है, तो 2 वेपर लगा हुआ है जिसका जो ये रड जो है साफ करने वाला, ये 25 सेंटीमीटर है, तो और वो सेंट्रल एंगल 115 बनाता है, 115 सेंट्रल एंगल बना रहा है, 2 वेपर है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये साफ कितना यहां से ऐसे घूमेगा, देखिए मेरा मार्कर इतने में घूम एरिया होगा, इवन घूमे तो इतने एरिया में कवर करेगा। तो टोटल एरिया ऑफ क्लीनेड एट ईच वेपर ऑफ द ब्लेड्स, ये जो ब्लेड से कितना एरिया दोनों मिला करके क्लीन करेगा। अरे भैया, तो ये क्या चीज है, सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो दोनों सेक्टर का निकाल दीजिए, तो सेक्टर की क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 से मल्टीपल कर दिए, तो 2 इंटू और एंगल कितना है, थीटा बाई 360 है ना, तो 115 बाई 360 इंटू
पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25/25। अब प्यारे बच्चों इसको आप डिवाइड कर दिए 180, अब इसे डिवाइड कर दिए 1190 और ए 5 से 5 18 5 90, ऊपर मल्टीपल कर दिए अर्थात 115 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5 बाई कितना 18 इंटू 7 मल्टीपल करने के बाद 1,85,125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आगे बढ़ना है तो इसको पॉइंट में अपना बदल दीजिएगा, डिवाइड करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, मैंने एकदम इजी है, केवल एकदम समझ गए आपका बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर दो को के निकालना है, क्वेश्चन पहले पढ़िए, बनाने के पहले मैं कहता हूँ क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर अब 12 और देखिए क्या 12 कहता है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उसको पहले देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि एक लाइट है माने सी में समुद्र में एक यहाँ से लाइट जलाया जा रहा है, ठीक है ना, रेड, जिससे यह टकरा न सके। तो लाइट जहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पर 80 डिग्री के कोण बन रहा है, तो देखते हैं कि टॉर्च से या किसी चीज से लाइट निकलता है तो इस तरह से ऐसे फैलते चल जाता है। तो वह एरिया जो कवर है तो वह कितना रेंज है, कितना दूरी तक माने 16.5 किलोमीटर तक ये जो है लाइट कवर डिस्टेंस कवर करता है। तो इतना अब बीच में 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये बताइए कि जो लाइट ये जो होगा कितना एरिया में ये फैलेगा, है ना पूरा। तो वही चीज़ है जो इधर था वो इधर है, वही इधर है, मतलब तीनों मैथ एक ही तरह का है ना। तो ये क्या चीज, तो इसको ये भी तो सेक्टर ही है, तो एरिया द एरिया ऑफ सी कवर विच शिप्स आर है ना वार्निंग, सी के वार्निंग, शिप के वार्निंग देने के लिए कितना एरिया मैंने एक इधर आइएगा टकराने का भय है तो रेड जल रहा है ना, तो कितना यह रेड पार्ट का होगा, तो क्या थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 80 डिग्री का एंगल बनाते 80 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। सी इन योर बुक, अपने बुक में देख लीजिए कि कितना ये कह रहा है, ठीक है। तो आपका कितना 3.5 इसका हो गया, 3.5 डिवाइड कर दिए, कितना से डिवाइड किए प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं। और डिवाइड हो गया आपका 3 से, फिर 3 से डिवाइड किए 5.5 आ गया है ना, इक्वल टू 2 × 3.5 × 5.5 × 5.5 मल्टीपल करने के बाद 189.97 किलोमीटर, इतना रेड लाइट से वह एरिया कवर करेगा। इजी है कि नहीं, एकदम इजी है। अब देख लीजिए 30 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यह एक टेबल क्लॉथ है वो सर्कुलर है ना, यह क्या चीज है प्यारे बच्चों, टेबल क्लॉथ है। ये टेबल क्लॉथ क्या करता है, देख रहे हैं ना टेबल क्लॉथ, यह क्या कर रहा है कि इसका ये टेबल क्लॉथ का रेडियस है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर है। तो इसमें 6 ड्राइंग बनाया गया, देख रहे हैं ना डिजाइन बनाया गया 6, तो ये क्या हो गया हेक्सागोन, देख रहे हैं ना ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हो गया। अब ये बताइए, अच्छा इसको ही एक को एक पर पहले समझ लीजिए, एक डिजाइन का ही क्या हो गया, तो ये क्या है, व्हाट इट इज सेगमेंट, व्हाट इज दिस, यह आपका सेगमेंट हो गया है ना। तो एक सेगमेंट का एरिया एक का निकाल देंगे, उसमें 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 डिजाइन का निकल जाएगा कि नहीं, एक डिजाइन का, तो ये सेगमेंट है ना, इतने का हमको इस पर डिजाइन करना है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना यहां से लेकर गैस, वाह। तो ये क्या चीज है, सेगमेंट है, अगर पूरे रहता
तो आपका सेक्टर हो जाता है पूरे, तो हमको सिगमेंट तो 6 सिगमेंट तो एरिया ऑफ डिजाइन सिगमेंट है तो 6 सिगमेंट 6 है ना 6 सिगमेंट तो क्या आप पढ़े थे एरिया ऑफ सिगमेंट इक्वल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर ए होता है तो 6। देखिए प्यारे बच्चों इसमें भी आर स्क्वायर इसमें भी आर स्क्वायर कॉमन ले लिए आपका कितना बच गया थीटा बाय 360 पाई माइनस हाफ साइन थीटा तो आपका 6 इंटू ए कितना 28 स्क्वायर कर दिए आर स्क्वायर है ना तो 28 स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 है ना थीटा का वैल्यू 60 बाय 360 इंटू पाई 22/7 माइनस हाफ साइन थीटा प्यारे बच्चों हाफ साइन थीटा हो गया हाफ साइन थीटा तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है √3/2 हाफ 1/2 और प्यारे बच्चों इसको डिवाइड किए थे 6 6 जा 36 सिक्स हो गया 2 से 11 और नीचे 3 तो ऊपर हो गया 11/7 3 जा 21 और इसको मल्टीपल है 28 इंटू 6 4704 अच्छा और ये साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 इक्वल टू यहाँ आ जाइए दोनों का एलसीएम ले लिया गया मैंने कितना 21 और 2 2 जा 4 का 84 आ जाएगा तो 84 में 21 से डिवाइड किए 4 4 11 जा 44 माइनस इसमें मल्टीपल हो जाएगा कितना से 21 से 21 इंटू √3 के मान 1.7। अब प्यारे बच्चों देखिए अब इसको एक स्टेप ए जो कहते हो लिख दिया 84 और इसको मल्टीपल कर दे 21 में 1.7 से 35.7 अब 44 में 35.7 को सेपरेट कर दिए तो सेपरेट करने के बाद प्यारे बच्चों आपका कितना आ गया अच्छा इसको भी डिवाइड किए थे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे 3 टाइम्स तो 3 से इसको डिवाइड किए और 20 पहले 4 टाइम्स डिवाइड किए हैं तो 4 टाइम्स डिवाइड किए तो 1176 आया इसको 4 टाइम्स डिवाइड किए तो 21 आया तो फिर 3 टाइम्स किए तो 900 392 और 7 3 जा 21 इट मीन्स 392 इंटू इसमें से सेपरेट किया गया तो 8.3/7 मल्टीपल किया गया तो 3,253.6/7 cm² ये आया 6 डिजाइन का है ना एरिया एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स तो अब कॉस्ट पूछ रहा है डिजाइन्स कॉस्ट व्हाट है ना कितना होगा डिजाइन कॉस्ट तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना 0.35 रुपीज 0.35 रुपीज माने 35 पैसा 35 पैस है ना तो 0.35 से मल्टीपल कर दिए एरिया में क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइनिंग का कितना 0.35 पैस रुपीज हो रहा है तो 7 5 जा 35 अब इसको मल्टीपल कर दिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए 0.05 होगा 7 5 जा 35 ये दशमलव में डिवाइड में दशमलव में गलती नहीं करिए थोड़ा सा डेसिमल में गलत हुआ तो पूरे आंकड़ा बदल जाएगा प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मल्टीपल करने के बाद 162.68 रुपीज आपका आया डिजाइन कॉस्ट प्यारे बच्चों इस प्रकार हम पूरे कंप्लीट कर दिए है ना ये चैप्टर और ये चैप्टर को पुनः अपने ढंग से फिर बनाइए ठीक है ना अपने ढंग से पूरे बनाना है थैंक यू।